हेलो दोस्तों, तो आज हम जानते हैं साइड बार के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा है साइड बार, तो इसे ऑन और ऑफ कैसे करते हैं और इसमें हम ऐप को ऐड कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर इसमें ऑन है, ऑन कैसे पता चलेगा, ये लेफ्ट राइट साइड में देखिए यहाँ पे ये है, इससे हम ये पता करेंगे कि ये इस समय ऑन है क्योंकि ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। और अगर इसे हमें देखना है तो यहाँ से हम ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, ये कैलकुलेटर है, तो इसे हम ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। और हमारा बैक साइड में हमारा कोई भी वीडियो चल रही है या कोई ऐप ओपन करके रखे हैं और यहाँ से हम काम किए, और इसे अगर हमें इसे ऑफ करना है या ऑफ करना है अगर, तो क्या करेंगे, यहाँ नीचे देखिए ये लाइन जो दिख रही है, ये इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ स्वाइप कर देंगे और ये बंद हो जाएगा। तो अब ये ऑन और ऑफ कैसे होगा इसको देखते हैं। ये देखिए लिखा है ऑलवेज शो, यहाँ से हम ऑफ कर दिए, ये हो गया ऑफ। तो अब ये हमें मिलेगा कहाँ पर, हम मोबाइल के सेटिंग में जाते हैं और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। ये है एडिशनल सेटिंग, इस एडिशनल सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ऊपर करेंगे। देखिए यहाँ दिया है स्पेशल फीचर में फ्लोटिंग विंडोज, इस फ्लोटिंग विंडोज पर ये जो दिख रहा है, इस फ्लोटिंग विंडोज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्लोटिंग विंडोज, तो जैसा कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, अगर इसे हमें ऑन करना, अभी तो हमारा ऑफ हो गया है, ऑन करना है तो साइड बार पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है ऑलवेज शो, इस ऑलवेज शो पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें दिखने लगेगा। कैसे पता चलेगा दिख रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे राइट साइड में एक छोटा सा लाइन आ गया है, यहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो ये तो हो गया ऑन करना और ऑफ करना। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। ओपनिंग फ्लोटिंग विंडोज कैसा है, हाइडिंग कैसे करेंगे, व्यूइंग कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे और ये ऐप को मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसके बारे में आप जब इसे यूज करेंगे तो एक बार देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो साइड बार ओपन हो गया है फ्लोटिंग विंडोज का, तो इसमें अगर हमें फर्स्ट पर यहाँ पे व्हाट्सएप दिख रहा है, उसके बाद कैलकुलेटर दिख रहा है, उसके बाद डॉक दिख रहा है, स्प्रेडशीट दिख रही है, तो अगर मान लीजिए हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं, ये हमारा सब ओपन होके सामने दिख रहा है। देखिए ऊपर दिया है एडिट फ्लोटिंग विंडो शॉर्टकट, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इस लेफ्ट साइड को हम अगर यहाँ पे कट कर देते हैं तो ये देखिए अभी कट हो गया। अब हमें फर्स्ट क्या रखना है, मान लीजिए अगर हमें फर्स्ट रखना है फेसबुक, तो हम इस फेसबुक पर क्लिक करेंगे, देखिए ये नंबर वन पे आ गया। अब उसके बाद अगर हमें फाइल मैनेजर रखना है तो फाइल मैनेजर फर्स्ट हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए हमें रखना है क्रोम, तो क्रोम कर दीजिए। अब ऐसा आप करके रख सकते हैं, अप डाउन इसे जिधर इसको जिधर भी रखना है उधर अप डाउन ऐसे कर सकते हैं और वहाँ पे उसे करके मिनिमाइज करके आप ऐसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम इसे डन करते हैं। अब देखते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड आया है कि नहीं आया है, तो ये राइट साइड में जो एक लाइन दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे। देखिए नंबर वन पे फेसबुक है, उसके बाद क्रोम है, उसके बाद ये फाइल मैनेजर है, उसके बाद जो भी सारे ऐप हैं वो सारे ऐप हमें दिखेंगे। तो और एडजस्टमेंट, अगर हमें एडजस्टमेंट करना है तो वो एडजस्टमेंट कहाँ से होगा, ये प्लस की बटन से, जैसा कि मैं दिखा भी दिया हूँ। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम रख दिए हैं और इसे हमें एडजस्ट करके फर्स्ट सेकेंड करना है, तो हम इसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हम इसे रखे हैं और इसे हम अप कर सकते हैं और इसे हम लेके इधर डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। और भी चीज़ें अगर हमें इसमें ऐड करना है, यहाँ सारे ऐप हमें दिखेंगे, हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप हैं सारे ऐप दिखेंगे, बट हमें यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड क्या रखना है वो अपने अनुसार हम यहाँ पे इसे एडिट करके रख सकते हैं। मान लीजिए ये स्प्रेडशीट है, इसे ऊपर करना है, ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यूज भी है। क्यों अच्छा है ये, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं
और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ऐप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ओपन करके रखे हैं और हमें चाहिए कि चलो अभी थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम तुरंत उसे देख सकते हैं। या कैलकुलेटर ओपन किए, यहाँ पे हम कुछ जो है अपना करके उसके बाद चाहिए ये यहाँ से नीचे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। देखिए बड़ा हो गया। फिर से बैक चले जाइए, फिर से ये ओपन करिए, आ गया ऐसे। और इसे अब बंद करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर देखिए एक ब्लू लाइन है, यहाँ नीचे एक ब्लैक लाइन, इस ब्लैक लाइन पे क्लिक करिए, थोड़ा सा प्रेस करके रखिए और ऐसे ऊपर स्वाइप कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो फ्लोटिंग विंडोज है, ये साइड बार का, ये आपको अच्छा। हाँ, ये भी है कि आप इसे अगर कहीं पे ये लेफ़्ट और राइट अगर रखना चाहते हैं तो ये भी आप इसे रख सकते हैं। तो रखेंगे कैसे, ये जो राइट में लाइन दिख रही है छोटी सी, इस लाइन के ऊपर हमें थोड़ा सा प्रेस करके रखना है और तब तक प्रेस करके रखना है जब तक ये लाइन जो है थोड़ी सी मोटी ना हो जाए। देखिए अभी दो बार मैं कर चुका हूँ, तीन बार कर चुका हूँ, नहीं हुई है, ये इधर आ जा रही है। तो अभी ये कैसे होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये थोड़ी सी लाइन जो है मोटी हो जाएगी। तो मोटी होगी तो आप इसे जो है लेके कहीं भी इधर उधर उसको मूव करा सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।